खबर विकासनगर से है, जहां ग्राम पंचायत ढालीपुर में मानव वन्य जीव सह अस्तित्व विषय पर आयोजित गोष्ठी में वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को वन्य जीवों का महत्व बताया। बता दें कि ये कार्यक्रम वन्य जीव सप्ताह 2024 के अंतर्गत आयोजित किया गया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि वन्य जीवों की सुरक्षा में ग्रामीणों का सहयोग जरूरी है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद खालिद की अध्यक्षता में आयोजित गोष्ठी में रामपुर मंडी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र के वन दरोगा गांव पहुंचे सेक्शन ऑफिसर गौतम क्षेत्री और उनकी टीम ने ग्रामीणों को वन्य जीवों का महत्व बताया और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों के साथ मंथन किया। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। आज मीटिंग वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा एक जो ये ढालीपुर आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट है, ये अब रामसर साइट बन चुका है, ऐतिहासिक साइट है। इसको किस तरीके से संरक्षित रखा जाए गांव वालों की जनसहभागिता के आधार पर, और जो गांव वालों के कुछ सुझाव हैं विभाग ने की कुछ गाइडलाइंस है, उस वो लोगों के साथ साझा की गई है और लोगों से भी अपेक्षा की गई है कि इस साइट पर जो भी हम नित दैनिक अपने कार्य करते हैं उसमें निरंतर अपना सहयोग प्रदान करेंगे और इस रामसर साइट को और अपने जो जीवन के अंदर जो ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है वन्य जीव और वन उसको समझेंगे और अपना प्रयास अपना महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र में देंगे। पहले तो आप लोगों को हार्दिक स्वागत कि आपने भी अपना समय दिया है वन्य जीव सप्ताह 2024 के अंतर्गत। ये वन्य जीव सप्ताह का जो हमने शुभारंभ करा है वो करा है ढालीपुर ग्राम के अंतर्गत। तो हम अपने विभाग की तरफ से, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से मोहम्मद खालिद जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपना और गांववासियों को एकत्रित करके इस सप्ताह के अंतर्गत एक छोटी गोष्ठी का जो भी आयोजन हुआ उसमें सबने अपना छोटे से समय में अपना समय कीमती समय निकाल के हमको अपना समय दिया है। आज ग्रामवासियों के साथ जो ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है इसका मेन मकसद यही था कि आपके बीच में एक रामसर साइट की मतलब ये आपका आसन वेटलैंड जो है ये बहुत एक बहुत बड़ी धरोहर है कि जो इस जगह के आसन वेटलैंड के नाम से पहचानी जाती है। तो हमारा इनसे गाँव वालों से एक यही गुजारिश है, थोड़ा सा चर्चा यही हुई है कि इस आसन को आसन के नाम से ही ना जानकर कहीं ना कहीं इसके पीछे आप लोगों का भी नाम है।